कि कहीं स्लिप हो गया तो हम गिर जाते हैं। इसीलिए मैं इसमें बोलूँगा कि घर से निकल के MTK तक पहुँचते तक गाड़ी आराम से आए, तेज़ी से ना चलाएं और टाइम से निकल के टाइम से MTK तक पहुँचे। MTK आने के बाद हमको जो भी डंपर मशीन उपकरण अगर यूज करने के लिए जो भी अलॉट होता है उसको हम स्वयं एक बार चेक करें कि उसमें लैडर है कि नहीं, चढ़ने के लिए हॉर्न है कि नहीं, रियर व्यू मिरर है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं। ये सब चीज़ कंपनी हमको प्रोवाइड करता है कि वो हमारा सुरक्षा के लिए, उसके बिना भी गाड़ी हमारा चल सकता है, गाड़ी चल सकता है। लेकिन उसका क्या ज़रूरी है, उसका महत्व तो क्या है? रियर व्यू मिरर है तो हम पीछे देख सकते हैं कि पीछे कोई क्या है, बैक कर रहे हैं तो पीछे देख सकते हैं, हॉर्न आगे भी जाम है चाहे कोई जा रहा है, किसी साइड लेना है हॉर्न दे सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है तो फायर एक्सटिंग्विशर है, काम करते वक्त अगर आग लग गया तो हम उसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ हमारा गाड़ी में होना ज़रूरी है। और ब्रेक, ब्रेक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है डंपर टीपर ये सब में। वहाँ से निकलने के बाद जब हम फील्ड पहुँचते हैं, फील्ड आते तक रास्ता में अगर कहीं भी हमको लगता है कि ये जगह अनसेफ है, चाहे इस जगह में बर्म होना चाहिए, चाहे रास्ता कम चौड़ाई है, तो हमारा सुपरवाइज़र या हमारा इंचार्ज को हमको सूचना करना है, बताना है उनको। हो सकता है उस जगह को इंस्पेक्ट ना किया हो, ना देखा हो, हमारे नज़र में आ गया तो हमको उसको बताना है कि इस जगह पे सर यहाँ बर्म डाल देना है, ये अनसेफ है, चाहे रास्ता थोड़ा चौड़ा है कम है। वहाँ से जैसे हम आ जाते हैं फील्ड, फील्ड में काम करने के वक्त मशीन में जब डंपर लगाते हैं रिवर्स में 5 का स्पीड में रिवर्स होना चाहिए। ये क्या होता है, कभी कभी हम ये के चक्कर में बहुत स्पीड से रिवर्स कर देते हैं, उसमें हो सकता है हमारा बैलेंस बिगड़ जाए और मशीन के साथ जाके कैश हो जाए। उसके बाद लोड लेते समय डंपर से नीचे नहीं उतरना है। डंपर चलाने के लिए हमारा SOP में निर्धारित किलोमीटर तय है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमको डंपर चलाना है, उसी हिसाब से हमको डंपर चलाना चाहिए। और डंपर चलाते समय हमारा हॉलराउंड में बर्म है नहीं है, अगर उसको इंस्पेक्ट नहीं किया हमारा सुपरवाइजर, नहीं पहुंच पाया उस जगह तक, तो उसको सूचना देना है कहीं असुरक्षित है उसको बताना है। और हमारा जैसे PPE किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, हेलमेट हुआ, क्लस्टरल जैकेट हुआ, जूता हुआ, केबल मैन लोगों के लिए हैंड ग्लोव्स है, ये सब हमेशा यूज करें। और डंपर चलाते समय या मशीन कोई भी चलाते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन और हेडफोन का यूज़ ना करें। हेडफोन और मोबाइल का यूज करने से बहुत से जगह में हम लोग क्या करते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं तो मशीन में क्या ब्रेकडाउन हुआ, इंजन का साउंड से भी हम लोग जान लेते हैं ऑपरेटर की भाई। डाउन पोजीशन में है तो स्टॉपर लगा करके भी उस जगह से और अपने सुपरवाइजर को सूचना देना है। और घटना और यह है दुर्घटना और बच जा नियर जैसे जा रहे डंपर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, उसको वो लोग सॉल्व करें। हम उनको बताएंगे यहाँ ऐसा करना चाहिए।